हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी बज चुके हैं 11:30 बज रहे हैं, सुबह के 11:30। तो काम आज बहुत लेट हुआ मेरा, बाकी का काम से सुबह मैं टिफिन वगैरह बनाती हूँ, फिर उसके बाद सफाई करती हूँ सारी, तो उसमें मुझे बहुत टाइम लग गया आज। और तबीयत भी ऐसी ही हो रही है, बहुत ज्यादा थक जाती हूँ। अब तो थोड़ा सा दही जमाऊंगी मैं, जम जाएगा आधे पौन घंटे में, आजकल दही जम जाता है। एमी खाना खाएगी इतनी देर में दही जम जाए। एमी को खिचड़ी में दही डालकर देना पड़ता है और मैं सुबह दही जमाना भूल गई, तो अभी जमा दूंगी तो थोड़ी देर में वो खा लेगी। तो उसकी खिचड़ी भी बना दी है और बाकी का सब्जियां भी मैंने बना ली थी सुबह टिफिन के लिए। तो अब जो भी मैं टिफिन के लिए सब्जियां बनाऊंगी उसको शॉर्ट जो वीडियो बनाऊंगी उसमें डालूंगी। तो पूरी जो रेसिपी देखें आप वो मेरी वीडियोस में देख लें, और बाकी शॉर्ट जो वीडियो है उसमें मैं जो भी टिफिन में शिप्रा के लिए बनाती हूँ या अथक के लिए बनाती हूँ। अथक तो अभी जाता नहीं है, छुट्टियां हैं, तो अभी केवल शिप्रा का बनता है टिफिन। तो उसमें जो रेसिपीज बना के रखती हूँ मैं वो शॉर्ट वीडियोज में डाल रही हूँ, तो जरूर देखिएगा आप। तो आज मैंने बनाई थी आलू की सूखी सब्जी, अभी दिखाती हूँ। तो आलू की सूखी सब्जी बनाई थी एक तो मैंने, और एक बनाया था चने की दाल का मोगर। अभी दो चीज तो बनी हुई है मुझे बनानी है, रोटी केवल। तो आटा लगाऊंगी, एक मैंने बना ली थी शाम को ही चटनी, ये है हरे धनिए और टमाटर, लाल टमाटर की चटनी। थोड़ी थोड़ी जो चीजें सारी मेरी फ्रिज में बची होती है उसको खत्म करनी होती है मुझे। तो काफी दिनों के बाद फ्रिज में कई दिनों से धनिया रखा था और पालक रखा था और ये आने वाले थे आज, तो मैंने कहा कल डांट पड़ेगी अगर मैं पालक और धनिया को खत्म नहीं करती हूँ। तो मैंने क्या किया, कल पालक की प्यूरी बनाई और धनिए और टमाटर भी खराब हो रहे थे, धनिए भी काफी कुछ खराब हो गए थे, तो मैंने दोनों को साफ साफ, जो अच्छे अच्छे धनिए थे अच्छे अच्छे टमाटर थे, उनकी चटनी बना दी। तो ये चीजें काम आ गई मेरे। तो अब बनाऊंगी रोटी। तो फ्रिज में लास्ट में थोड़ी 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 जो सब्जियां पड़ी हैं वो खत्म कर रही हूँ। अरबी भी रखी है थोड़ी सी, थोड़ी सी भिंडी रखी है, थोड़ी सी फली रखी है, ये सारी आज मैं काट के यानी बना के रख दूंगी, सारी साफ करके उनको काट करके और फ्रिज में रख दूंगी एक बार। तो सुबह जो टिफिन बनाती हूँ उसमें मेरे फटाफट काम आ जाती है। तो अभी बनाऊंगी मैं रोटी। तो आज देरी हो गई मुझे काम में के मेरा आरओ भी कई दिन से खराब है और प्योरिटी भी पानी नहीं निकाल रहा इतना जितना निकालना चाहिए, तो पूरी फैमिली के लिए पानी कैसे करूं। तो मैंने आज मटकी कल भरी थी सारी मटकी गागर वगैरह, एक दिन पानी आ रहा है एक दिन आ रही नहीं है, तो फिर पानी की जो मटकी भरी ना उसमें मैंने फिर फिटकते का टुकड़ा डाला आज, उसको डाल के काफी देर रखा मैंने, जैसे रात को डाल दिया था मैंने फिटकरी का टुकड़ा, सुबह सारे पानी को छान कर फिर बोतल भरी है। आज क्षति दूसरे आरओ वालों को लाएगा ठीक करने के लिए, क्योंकि जिससे हम करवाते हैं हमेशा वो 3,500-4,000 हमसे हमेशा ले जाता है और 15 दिन में ही आरओ वापस खराब हो जाता है। तो इस बार हम दूसरा आरओ ठीक करने वाला बुलाएंगे, फिर देखते हैं, और ये आरओ ठीक नहीं हुआ तो फिर नया खरीदेंगे आरओ, क्योंकि आरओ के पानी बिना नहीं रहा जाता। गर्मी में एक तो एसी बिना कूलर बिना नहीं रहा जाता, और पानी हमेशा बिल्कुल साफ वाला चाहिए, तो बड़ी परेशानी हो रही है। तो रखूंगी ठाकुर जी को दूर, फिर रोटी बनाऊंगी। एक गिलास दूध जमाती हूँ एमी के लिए, दही जमाती हूँ,
घर में हमेशा पैसों की बरकत रहे इसके लिए पहली रोटी गाय की बनाए। मैं तो सुबह नाश्ता बनाती हूँ ना, मतलब टिफिन बनाती हूँ, तो उससे पहले पहली रोटी गाय की बना के निकाल देती हूँ। तो आप जब भी रोटी बनाए, पहली रोटी गाय की बनाए। और जो एक तरीका और बताती हूँ कि जब हम गैस में सेकते हैं रोटी को, तो एक रोटी उतारते हैं ना गैस में डालने के लिए, तो दूसरी रोटी तवे पे फटाफट डाल दें, तो आपके घर में हमेशा पैसों की बरकत रहेगी। मैं दिखाती हूँ आपको, तवे को खाली नहीं रखें बिल्कुल भी। पिछली वीडियो मैंने बताया था कि अपने घर के जो आंगन को, बाहर का आंगन होता है, बाहर का जो फाटक होता है, अपनी चौकी होती है, उसको साफ रखें बिल्कुल भी, तो आपके घर में लक्ष्मी आएगी, कभी भी आपकी कमी नहीं रहेगी। इसी तरह आप रोटी बनाए तो तवे को खाली ना रखें, तो बरकत रहेगी। रोटियां बन चुकी हैं मेरी, और ये जो तवा गरम रखा है थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा, तो फिर इसको धोएंगे। तो इसके ऊपर मैंने बनी हुई सब्जी रख दी है, ये देखिए। मेरी मम्मी रख देती थी सब्जी गरम तवे में, जिससे क्या है कि सब्जी गरम रहती थी। तो अब मेरा सारा काम हो गया है, और मैंने सोचा अब आपसे बात करती हूँ। खाना वाना खा लिया, बेटा भी आ गया था तो खाना खा लिया, थकने मैंने, इन्होंने ये जयपुर से आज आए हैं, और आज इनकी तबीयत थोड़ी सी खराब है, चक्कर बहुत आ रहे हैं, तो ये कर रहे हैं रेस्ट। तो मैंने सोचा मैं आपसे बात कर लेती हूँ थोड़ी देर, इस वीडियो का एंड करती हूँ। तो आज मैंने छोटे छोटे जो आपको बरकत के तरीके बताए, वो जरूर अप्लाई कीजिएगा। ये सारी बातें हमारी दादी नानियां बताया करती थी, और इन्हें करना भी चाहिए, वो लोग करती थी। पहले क्या था कि एक पानी की जगह बनी हुई होती थी, परिंडा बोलते थे उसको, हमारे में परिंडा बोलते थे। तो मम्मी ने सबसे पहले यही सिखाया था कि जब शादी होके जाए तो नहा धो के पहले परिंडे का पानी भरना है, सारा जो भी गागर है, मटकियां हैं, उनको धो के भरना है। तो जब मैं ससुराल गई तो मैंने फिर ये काम शुरू से किया, मतलब नहा धो के परिंडे को साफ करती थी, पहले परिंडा धोना है, सारे लोटे ग्लास धोना है। तो इनसे मम्मी बोलती थी बरकत आती है, और ना सारा अपना जो सफाई है वो करो, और अपना धुरी मोड़ा बोलते थे हमारे यहाँ, जो आगे की दहलीज होती है, आजकल तो फाटक हो गए और ट्रैपर वगैरह बने हुए होते हैं, इनको रोज धोना चाहिए। और सभी लोगों को मैंने देखा है, धोते हैं लोग, और कई लोग तो रंगोली भी बनाते हैं सुबह सुबह, तो इससे कहते हैं बहुत बरकत आती है। तो एक गृहिणी का यही काम है कि वो छोटे छोटे ऐसे काम करे जिससे घर में पैसों की बरकत बनी रहे। तो सबसे पहले उठ के या तो सफाई से पहले अगर नहाना चाहे तो नहा लें, नहीं तो सफाई के बाद नहा लें, पानी वानी भर के सब करके फिर नहाए और फिर किचन में घुसे। तो नहाए बिना कभी भी किचन में ना जाएं, और अपने घर को आगे का जो हिस्सा है उसको जरूर साफ करें, और भी जो छोटी छोटी बातें मैंने वीडियो में बताई वो जरूर करें, तो आपके घर में पैसों की बरकत रहेगी और लक्ष्मी सदा बनी रहेगी आपके घर में। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।